बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ जनरल मैथ और यूनिट नंबर सिक्स की एक्सरसाइज आज करेंगे 6.3, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हम ये काम क्यों करने वाले हैं। साइंटिफिक नोटेशन में देखिएगा कि अगर आपकी वैल्यू ये वाली जो जिसे हम पढ़ेंगे तो ये 30 अरब है, और अगर इंटरनेशनल वे में पढ़ेंगे तो ये 1000 की वैल्यू, ये मिलियन, ये बिलियन, 30 मिलियन वैल्यूज़ है। और 30 मिलियन सेंटीमीटर को अगर हम कंप्यूटर में लेंगे तो वो आपको 3.00 देगा, और एंड में जाकर वो आपको 10 की पावर समथिंग दे देगा। और अगर वो आपकी 0.00000 then 000 then 20733, अगर इस तरह की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाए तो उसे हम कैलकुलेटर में जब लेंगे तो उसे साइंटिफिक नोटेशन ले लेते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन अगर आपको कंप्यूटर में समझना नहीं आएगा तो आपको उसको कैलकुलेटर को भी यूज़ करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन को लिखा कैसे जाता है, उसकी बेस स्टार्ट कर देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आपने 10 की पावर को किसी भी वैल्यू जो है उसे 10 की पावर में लिखा जाता है। जैसे अगर हम सिंपली से बोलेंगे 10, ठीक है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में 1 × 10 दैट मीन्स के 10 की पावर 1 है। 100 जो नॉर्मली हमारे नंबर्स में 100 होता है, लेकिन ये नोटेशन में होगा कि दैट मीन्स के इसमें 10 की पावर 2, 2 मतलब है कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है, तो 10 की पावर 2 हो गई। अब इसी तरह 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है, और ये सिंपल नंबर है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में 1 × 10³ होगा। इसी तरह अगर आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं 1 × 10, तो साइंटिफिक नोटेशन में 1 × 10⁻¹। माइनस वन का मतलब होगा कि आपकी ये वैल्यू नेगेटिव, का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है या डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। अब 1/100 मतलब होगा कि 1 × 10⁻²। अब आपके वो जो कैलकुलेटर होता है वो आपको वैल्यू कोई भी देता है तो वो आपको माइनस पॉजिटिव 10 की पावर देगा, तो इसका मतलब है कि आपका नंबर बड़ा है, और अगर नेगेटिव पावर दे तो इसका मतलब है कि आपका नंबर डिनोमिनेटर में जा रहा है या डेसिमल में जा रहा है। अब 1/1000 × 1 × 10⁻³। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक से ही ली गई हुई है। ये है 1/19.85, 1 के नीचे ये लाइन्स लगे होंगे, तो दैट मीन्स कि आपकी ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये आपकी इस वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू की लोकेशन बताता है। अब ये 190 है तो ये 100 है, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू 10 की पावर 1 है। बाकी वैल्यू सारी की सारी हमने डेसिमल के बाद ले जाएंगे और सिर्फ 1 वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को बताएंगे कि यहाँ पर जो 1 है उसकी वैल्यू 100 के मुताबिक है, 10 की पावर 2 100 है। अब यहाँ पर लिखा हुआ 12, अब 1 की वैल्यू क्या है, 12 मतलब 10 प्लस 2 10, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1.234, यानी बाकी सारे नंबर्स को लेता ले जाएंगे और सिर्फ उसकी वैल्यू और उसे होल नंबर में लिखेंगे कि जिसकी वैल्यू हम एज अ 10 के पावर में बता रहे हैं। अब यहाँ 1 क्या है, 12, और 12 का मतलब है कि 10, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 है। डेसिमल में अगर वो से देखें तो यहाँ पे 0.00018। अब 1 पहला नंबर है और ये डेसिमल के बाद है 1, 2, 3 और 4, फोर्थ वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, डेसिमल के बाद फोर्थ वैल्यू है, तो 1.8, यानी ये 1 की वैल्यू जो है वो 10 की पावर -4, दैट मीन्स कि डेसिमल के बाद फोर्थ है, इसका डिनोमिनेटर 1000 है। अब यहाँ पे डेसिमल 0.00002 81, और यहाँ पे इसकी 2 की वैल्यू जो होगी वो 10 की पावर 5 है। ये तो वैसे मैंने आपको बताया कि लेकिन हमने इसे सॉल्व करना है। आप अपने कैलकुलेटर में लेंगे, आप अपनी वैल्यूज़ को लिखेंगे, वो आपको साइंटिफिक नोटेशन में दे भी देगा और नहीं भी देगा, इसलिए कि साइंटिफिक नोटेशन जो कैलकुलेटर पर अप्लाई होती है वो आपकी वैल्यूज़ मोर देन 10 वैल्यूज़, या इसी तरह डेसिमल में अगर वो आपके मोर देन डेसिमल के बाद 9 वैल्यूज़ हो जाए तो फिर वो आपको साइंटिफिक नोटेशन में देता है। या कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं वो आपको
और साइंटिफिक नोटेशन है वो 6 या 7 के बाद भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये जो छोटी वैल्यूज हैं इस पर आपको कैलकुलेटर वो वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में नहीं देगा। साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व कैसे करना है ये, और ये ऐसे हैं, अगर आप कैलकुलेटर पे देंगे फॉर एग्जांपल वो आपको ये वाली वैल्यू कहाँ से ये दे देगा, लेकिन और लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये याद रखिएगा कि आपको ये पूरा प्रोसीजर अपनी कॉपीज पे अपने एग्जाम्स में और अपने टेस्ट में करना होगा, तभी आपको ये फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो ये 2 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपके पास 1, 2, 3, 4 स्टेप्स हुए होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। ठीक, अब आपके याद होगा कि अगर आपके पास वैल्यूज हो डेसिमल में तो हम उसे फ्रैक्शन में पहले सॉल्व कर दें, और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी आपको बताते हैं। क्वेश्चन है आपका चेंज द वैल्यूज इन द साइंटिफिक नोटेशन, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 0.051, और मैंने 51 लिखा और 51 की वैल्यू जो है आपकी डेसिमल के बाद 1, 2, 3, तो इसका मतलब है कि आपके डिनोमिनेटर 1000 है, डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं आपके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वही उतना ही होता है, तो 51/1000। अब ये जो क्योंकि 1000 था मैंने इसे पावर में लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर में था तो ये पावर में उधर ऊपर वाली साइड पर जाके ये 10^3 हो गई। मैंने आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे पावर में भी लिख दिया कि 51/10^3, और अगले स्टेप में 51/10^-3। अब -3 हमने साइड ले लिया, लेकिन हमें जो ये वाली साइंटिफिक नोटेशन है इस फॉर्म में चाहिए होता है, दैट मीन्स कि फर्स्ट वैल्यू जिसकी हमने वैल्यू प्लेस बतानी है वो डेसिमल में एज अ होल नंबर हो और बाकी सारी वैल्यू डेसिमल में हो। तो यहाँ पे 5 की मुझे प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 5 का और 1 में मुझे सप्रेशन चाहिए। अब सप्रेशन करने के लिए क्योंकि यहाँ पे 51 है तो मैंने इसे 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से डिवाइड करने का मतलब है कि 5 आपका होल नंबर हो गया और 1 आपका डेसिमल नंबर हो गया, यानी 5 और 1 में सेपरेशन हो गई, सेपरेट हो गया, 5 होल नंबर हो गया और 1 आपका डेसिमल नंबर हो गया। अब ये क्योंकि 10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ आ रहा था तो -3 और +1 आपस में क्योंकि पावर्स ऐड हुई, तो आपके ये क्योंकि नेगेटिव और प्लस साइन होने की वजह से आपका आंसर -2 में ही रहा, और ये आपका मुकम्मल साइंटिफिक नोटेशन हुआ। 5 हमने 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है डेसिमल, और बाकी जाके रिमेनिंग नंबर जो कि सिर्फ 1 है (10^-10^-2), दैट मीन्स अगर ओर से देखें तो डेसिमल के बाद 1, 2, 5th की वैल्यू सेकंड पर आ रही है डेसिमल में, तो 10^-2 है और 5 हमने एज अ होल नंबर लिखा है। 5 इसलिए लिखा है कि ये जो पावर है 10 की ये 5 की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 89.99 में इसके बाद डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज है, यहाँ पे 100 लिख दिया और 100 को मैंने आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए 10^2 में लिख दिया। अब 10^2 मैंने नेक्स्ट स्टेप में जाके और न्यूमिनेटर में लेंगे, और न्यूमिनेटर में जाते साथ ही ये -2 होगी। अब यहाँ पर मुझे ये वाली वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक सिर्फ एज मुझे एज अ होल नंबर चाहिए और बाकी सारी वैल्यूज डेसिमल चाहिए। अब इन तीनों वैल्यूज को डेसिमल में लेके जाने के लिए मुझे इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ा और 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 से डिवाइड करते हैं तो जब आप डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू आपकी जो कि ये 1000 है, उसके बाद की सारी वैल्यूज आपकी डेसिमल में हो जाएगी 8.999। अब ये 10,000 है, इसे भी जब आप एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, 3 - 2 और 1, और यहाँ पर 8.9991। अगर आप क्वेश्चन नंबर को देखें तो ये 89 था, 89 का मतलब है कि 10 की वैल्यू जो थी वो 80 थी, तो अगर वो से देखें तो ये जो 8 की वैल्यू है वो 10^1 है, इज इट क्लियर, यानी 80 में जा रहा है और इसकी पावर 1 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अगर आप वो से देखें तो 0.424 है, यानी आपके पास वो जो फर्स्ट वैल्यू 4 की है वो डेसिमल की है। अब हमने इसको डेसिमल में रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो 1000 आया, 1000 को भी मैंने फिर पहले पावर में लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेप में मैं उसे न्यूमिनेटर में लेगी जो कि -3 हो गया। अब यहाँ पे मुझे 4 सेपरेट चाहिए और 24 ये जो वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट चाहिए, तो मैंने इसे 10
से डिवाइड कर दिया और मैंने बजाय 10 मल्टीप्लाई करने के 10 की पावर से यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके ये 100 की वजह से आपका 4.24 दैट मीन्स के 4 सेपरेट हो गया और 24 जो था वो सेपरेट हो गया और अब हम ये इस 4 की वैल्यूज का साइंटिफिक नोटेशन मालूम कर सकेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव 2 है या माइनस 3, जब इसे माइनस किया तो 10 की पावर माइनस 1 है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये डेसिमल के बाद की पहली वैल्यू थी और पहली वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे अगर माइनस 1 है तो इसका मतलब है कि आपका ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 की क्योंकि 10 की वैल्यू डेसिमल के बाद की फर्स्ट वैल्यू है तो इसलिए 10 की पावर माइनस 1 आ गई और बाकी वैल्यूज हम डेसिमल के बाद लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिएगा कि तो ये आपकी वैल्यू जो है वो इसमें कहीं भी डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। अगर इसे हम इंटरनेशनल वे में पढ़ेंगे तो ये 2,566,324 है, तो इसे हमने अब साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए मुझे यहाँ पर डेसिमल लाना है और डेसिमल लाने के लिए मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब है कि हमें इसे 1,000,000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिवाइड करने वाले 1,000,000 से आपके पास ये 2 की वैल्यू जो सेपरेट हो जाएगी और बाकी सारे डेसिमल में चले जाएंगे और ये जो मल्टीप्लाई होने वाला है ये पावर में चला जाएगा। इसका मतलब है 2 की वैल्यू जो है वो क्या है, 2, 6 और 10 की पावर 6 और 10 की पावर पॉजिटिव 6 का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जो कि 2,000,000 के बराबर है। अगर हम इसे 2.56,264 को कैलकुलेटर में देखेंगे इसे तो ये इस तरह आएगा 10 की पावर 6, तो ये 2 point something नहीं है, ये 2 की वैल्यू आपकी 10 की पावर 6 बता रहा है कि मिलियन का नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 2.00000075 लिखा, तो अगर आप गौर से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपकी वैल्यूज में डिनोमिनेटर में 8 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में जितनी प्लेसेस होंगे आपके डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोज होते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसे वजाहत कर देती हूँ। इसे मैंने 10 की पावर 8 में लिख दिया, नेक्स्ट में 75.10 की पावर माइनस 8 हो गई। अब यहाँ पे मुझे 7 की वैल्यू प्लेस बताने के लिए सेपरेट 10, 7 को सेपरेट करना है, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल का प्लेस ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, ये वाला स्टेप कि 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यह वाले 7.5 में डेसिमल प्लेस कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर और ये क्योंकि पॉजिटिव था तो माइनस 8 के साथ जब सोल्व हुआ तो माइनस की एक वैल्यू कम हो गई और ये माइनस 7 हो गया और ये 7.8 आपका माइनस 10 है। और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 7 है ये 7th पोजीशन पे है, लेकिन माइनस 1 का मतलब है कि ये डेसिमल का नंबर है। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक अपने नॉर्मल नंबर्स को जो कि आपके होल नंबर्स भी थे या डेसिमल नंबर्स भी थे उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में होंगे लेकिन हमने उन्हें नॉर्मल नंबर्स में या नॉर्मल फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 6, 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन कहें तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 होल नंबर है जबकि मुझे 8 की वैल्यू होल नंबर चाहिए थी। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन इसे नहीं कहेंगे, लेकिन इसे फिर भी हमने क्योंकि क्वेश्चन है मैं आपके उन्होंने डिमांड की हुई है कि डेसिमल फॉर्म में लेके आए तो डेसिमल फॉर्म में लेके जा रहे हैं। अब ये 0.86 था तो 86 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज थी और इसकी क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव 4 थी तो मैंने इसे 10,000 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी कटिंग होगी, अब जब कटिंग होगी 100 के 2 0, 10,000 के 2 0 से कट गए तो यहाँ पे आपके पास 100 की वैल्यू रहेगी, 100 की वैल्यू को 86 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आंसर 8,600 आ गया। अब 7 है 1.345 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5। माइनस 5 का मतलब है कि ये जो 1 है ये आपका डेसिमल का ही नंबर है। इसे मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये 1,300 45 के
डिनोमिनेटर में 1000 की वैल्यू आई क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज थी, और इसको भी मैंने 1/10 की पावर 5 किया और साथ में इसे खोल भी दिया, ठीक है। वो इसलिए खोल दिया कि अब आपको मालूम हो कि यहाँ पे 1 के बाद 30 और यहाँ पे 1 के बाद 5 जीरोज हैं, और इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके ये सारे जीरो, यानी 10 को 10 से जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते जाए तो जीरो ऐड होता जाता है, 100 में फिर 10 मल्टीप्लाई करें तो 30,000। इसी तरह अगर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो असल में ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 1 with 8 जीरोस, जो कि है 3 इधर से आए और 5 इधर से, तो 80। अब आपकी ये जो वैल्यू है इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 आपको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके डेसिमल के बाद 8 वैल्यूज होनी चाहिए। न्यूमिनेटर में हमारे पास 4 वैल्यूज थी, वो 4 वैल्यूज लिख ली और फिर 4 वैल्यूज के लिए हमने 1, 2, 3, 4 जीरोज लगा दिए। वो इसलिए क्योंकि आपके पास डेसिमल के बाद ये डिनोमिनेटर क्योंकि 8 जीरोज के साथ था तो आपके पास डेसिमल के बाद 8 ही वैल्यूज होनी चाहिए। तो एड वैल्यूज मुकम्मल करने के लिए फर्स्ट 4 जीरोज और फिर 1, 3, 4, 5। अगर आप वो से देखें तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 10^-5, यानी ये 1 -5 पे था। तो अगर आप वो से देखें 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 1 की वैल्यू आपके डेसिमल में 5th वैल्यू ही है। क्वेश्चन नंबर 8, 5.1 × 10^-9, ये -9 को मैंने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट 1/10 और 9 जीरोस, और इसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 51/10। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर, और आपके पास 51 के बाद ये 1 with 10 जीरोस के साथ आ गया। अब जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास डेसिमल के बाद 10 वैल्यू होनी चाहिए, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीरो और 51, क्योंकि 2 वैल्यूज थी तो 51, और ये आपकी 10 वैल्यूज हो गई डेसिमल के बाद 10 वैल्यूज। और अगर आप 51 का 5 देखें तो वो आपके डेसिमल के बाद 9 पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जो कि आपके इसके मुताबिक ठीक जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 0.525 × 10^-7, और अगर आप ये से देखें तो ये साइंटिफिक रोटेशन के रूल्स के मुताबिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 एज अ होल नंबर जबकि 5 को होना चाहिए था। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे कि ये इस 5 को कि असल में प्लेस वैल्यू क्या है। डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज है तो 525/1000, और यहाँ पर इसे -7 को नीचे लेगी और आपके 1 के बाद 7 जीरो है। जीरो ज़रा ध्यान से लिखिएगा और काउंट करके लिखिएगा। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो फिर 525 ऊपर आ गया, लेकिन 1 के बाद आपके 3 इधर से और 7 इधर से, टोटल 10 जीरोज हो गए। अब जबकि आपके डिनोमिनेटर में 1 के बाद 10 जीरोज हैं तो आपका डेसिमल में भी 10 वैल्यूज होगी। 3 वैल्यूज हमें मिल रही हैं, बाकी हमने 7 जीरोज के साथ अपनी वैल्यूज पूरी मुकम्मल करनी है। तो 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरोज, 8, 9 और 10 आपकी 10 वैल्यूज होगी। और 5 की वैल्यू अगर आप यह कहेंगे, यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और क्वेश्चन में 10^-7 लिखी हुई है, और आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 की वैल्यू -7 क्यों नहीं है या 7 तो क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के बाद ऑलरेडी ही पहले था, ये जो 5 था आपका होल नंबर था तो ये आपके -9 के हिसाब से 9 पोजीशन पे आया, क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल नंबर था तो मजीद -7 की वजह से ही आपके 8 पोजीशन पे आएगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, एक उसकी अपनी पोजीशन है डेसिमल के बाद और बाकी उसकी 7 के साथ आई है, ठीक है। ये मैं आपको कंपैरिजन करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है वो हमने चेक कैसे करनी है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके पास 636/5 है और इसे मल्टीप्लाई करना है -6 के बाद, यानी आपकी ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसे कुछ इस तरह सॉल्व करना है कि ये सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू सिर्फ एक है 5, तो 6365 को बाय 10, और इसे जब हमने सॉल्व किया तो पॉजिटिव किया तो आपकी वैल्यू 1/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोज। अब 6 जीरोज इधर से और 1 जीरो इधर से, यानी टोटल आपके पास 7 जीरोज आ गए। अब 7 जीरो को वो से देखें तो हमारे पास 4 वैल्यूज थी, अब डेसिमल के बाद 7 वैल्यूज मुकम्मल करने के लिए मुझे 3 जीरोज की ज़रूरत पड़ी, 1, 2, 3
फोर फाइव सिक्स सेवन, डेसिमल के बाद चार ये वैल्यूज और थ्री ये जीरोस, और आपके पास सेवन के सेवन डेसिमल प्लेसेस पूरे हो गए। अब आप ये कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पे सिक्स माइनस सिक्स लिखा हुआ है, तो ये वाली फर्स्ट की वैल्यू को सिक्स पोजीशन पर होनी चाहिए थी, तो यहाँ से ये देखें तो ये 600 की वैल्यू थी, 600 की वैल्यू थी, यानी सिक्स आपके अपने साथ टू पॉजिटिव वैल्यूज रख रहा था, तो ये सिक्स के टू पॉजिटिव वैल्यूज ने इसको कम कर दिया और ये माइनस फोर हो गया, तो ये वन टू थ्री फोर्थ वैल्यू पे चला गया। इधर क्लियर? क्योंकि ये 600 था, 6 point something नहीं था। ये याद रखिएगा, फिर ये ना कहिएगा कि यहाँ पे सवाल गलत कर दिया, तो मैं आपको कंपैरिजन में बता रही हूँ, माइनस सिक्स तो था लेकिन ये 6 point नहीं था, ये 600 था। अब 600 के 2 10 की पावर 2 जो थी उसने इसको कम कर दिया और ये 6 यहाँ पर आया और ये सही सवाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में साइंटिफिक नोटेशन ही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा एडवांस है ताकि आप इसे सिंप्लीफाई करना भी सीखें। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है 0.96 × 10⁻⁷ बाय 2 × 10⁴। ठीक है, अब मैंने इन वैल्यूज को लहदा लहदा कर दिया, 1/2 × 0.96 × 10 जो कि जिसकी पावर आपके पास 7 और 4 थी, तो उन्हें यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इन्हें 7 में से 4 माइनस कर दिया तो 3। अब 4 क्यों माइनस है वो आपको याद होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में था और ऊपर जाके माइनस हो गया। अब ये 1/2 मैंने 96 की कटिंग की है और 2 × 2 = 2 48 और उसकी 96 हो जाता है, यहाँ पे 48 आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 96 के मैंने लिखा हुआ था 100 और 100 की पावर जो है, अगर उसे 100 को पावर में लिखेंगे तो 10 की पावर 2 हो जाती है। अब यहाँ पे फिर 10 की 2 पावर्स हैं, तो ये 10 की डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाके माइनस होगी 3 - 1, यहाँ पे 10 की पावर सिर्फ 1 रह गई। अब इसे सॉल्व करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक यहाँ पे 48 में डेसिमल आना चाहिए यानी 4 के बाद, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, तो मैंने 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे डेसिमल आ गया 4.8 और जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई दोनों आपस में प्लस हो गए, 1 + 1 और 10 की पावर 2 हो गए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह है, 2.61 × 4 × 10⁸ बाय 10�³। 2 × 6 जो कि डेसिमल में था, मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, 261/100 × 4 और 10⁴ यहाँ पे सॉल्व होगी 8 - 3। जब 8 में से 3 माइनस किया तो 10⁵ रह गई 5 और मैंने 261 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 4, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24 यहाँ पे 2 कैरी हुआ और 4 × 2 = 8 और 10 + 2 + 10 और फाइनल आंसर हुआ आपके पास 1044 को यहाँ पे मैंने मेंशन किया और जो डिनोमिनेटर का 100 था उसको मैं 10⁵ में ले लिया एक्सपोनेंट में जो कि 10⁴² हो गई। अब स्क्वायर डिनोमिनेटर में आया है तो ये इस पावर से यानी 10⁵ से जाके माइनस हुआ और 10�³ रह गए। ये सो सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन इसे साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्योंकि 1 और उसके बाद ये तीनों वैल्यूज को मुझे डेसिमल में लेना था। 1000 से डिवाइड होने से आपके 1.044 आपके साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म तो बन गए। अब यहाँ पे जो पावर्स हैं वो 10⁴ × 10�³ 2 times आ गई, इन्हें प्लस कर दिया तो 10⁴ और 1.044 × 10⁶ ये आपका फाइनल साइंटिफिक नोटेशन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 वो भी इसी तरह है, 5 × 21 × 10�³ × 2 × 10² और मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स को पहले लिख दिया, 5 × 21 × 12 और 2, 2 और 12 आपस में कटिंग हो गए थे, यहाँ पे 6 रह गया और यहाँ पे जो कि 10⁵ थी 3 में से ये डिनोमिनेटर का माइनस हुआ के माइनस हो गया तो 10⁵ सिर्फ 1 रह गई। अब यहाँ पे 521 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30 और 1 जो कैरी हो रहा था तो 31 और आंसर आ गया आपके पास 3126। यहाँ पे 3126 × 10। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए मुझे 3 के बाद डेसिमल और ये सारी वैल्यूज आपके डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया,
डिवीजन की वजह से आपका 3.126 हो गया और जो मल्टीप्लाई वाला था वो 10 की पावर 3 और ये एक 10 की पावर आपके पास ऑलरेडी पहले ही थी तो 3+1 और 10 की पावर 4 हो गई और ये आपका साइंटिफिक नोटेशन मुकम्मल हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया गया और स्टेटमेंट क्वेश्चन की कुछ इस तरह है, कन्वर्ट 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड राइट द सॉल्यूशन इन द डेसिमल फॉर्म। आपने अपने क्वेश्चन को जो कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है सेंटीमीटर में है उसे मीटर में चेंज करेंगे, साथ में आपका आंसर डेसिमल में फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर जब हम मालूम करेंगे तो उसे 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेंटीमीटर जो है उसे मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड करने से हमारे पास 10 की पावर 2 आ गई, 10 की 2 पावर्स आ गई और ये जो डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाके माइनस हो गई, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। ये साइंटिफिक है लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में डिमांड किया है कौन सी डेसिमल फॉर्म, तो फिर हमने इसके डेसिमल को रिमूव किया तो ये 10 आ गया। अब यहाँ पर ये 10 डिनोमिनेटर में है और मैंने इसकी 10 की पावर 3 को 1000 में कन्वर्ट कर दिया यानी सिंपल फॉर्म में कर दिया, तो अब यहाँ पे 0 कट होंगे तो वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। अब आपके पास 45 यहाँ से रह गया था 45 और यहाँ पे रहेगी 100 की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 4500 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है जो कि लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। दोबारा बोल रही हूँ कि अर्थ का जो रेडियस है पूरी ज़मीन का जो रेडियस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, वो है 6400 और हमने इसे कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड राइट द सॉल्यूशन इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हम किलोमीटर में से इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में होगा। तो पहले से पहले मालूम कर लेंगे 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर और हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6400 किलोमीटर, इसे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोमीटर में होगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए हमने ये याद रखना है कि हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में भी होगा, तो यहाँ पे डेसिमल लाने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 1000 की पावर 3 में लिख दी और इसकी वजह से आपके 0.644 लिखा, मैंने यहाँ पे 6 के बाद 4 के बाद 4 इसलिए लिखा था कि आपको याद हो कि ये 6000 की वैल्यू थी इसलिए 6 से डिवाइड किया और इसे 6 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास यहाँ पे 10 की पावर 1000 जो है वो 3 हो गई, 10 की पावर 3 ऑलरेडी हमारे पास थी तो ये 3 और 3 प्लस हो गए तो 10 की पावर 6 हो गई और यहाँ पे मैंने 6.400 पहले तो लिखा था लेकिन उसके बाद नेक्स्ट में लिखा क्योंकि डेसिमल में अगर आपकी किसी भी वैल्यू के बाद जीरोज होते हैं वो आप लिखे ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर रेडियस ऑफ द अर्थ इन मीटर्स जो है और ऊपर से साइंटिफिक नोटेशन में तो वो है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर, इज इट क्लियर। और आपके होम टास्क में सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस है और जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए इजी रह जाएगा, आसान होगा और आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अल्लाह हाफिज़।